तस्वीरें संविधान भवन की है, उस संविधान भवन की जिसे कभी सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता था। मंच पर महामहिम मौजूद हैं, पीएम मोदी भी हैं और साथ में हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। मौका है संविधान दिवस का और इस मौके पर जो कुछ हुआ देश के हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, जिस संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, भारत की सबसे पुरातन भाषा कही जाती है, अब भारत का संविधान उस भाषा में होगा। जी हाँ, और इसका अनावरण खुद राष्ट्रपति महोदया ने संविधान दिवस के मौके पर किया। इस संविधान के प्रति सबके हाथ में है, जगह जगह संविधान लहराने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में भी है। सरकार के हर कदम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष सरकार के इस कदम पर क्यों मौन रह गया, आप समझ ही गए होंगे। दरअसल संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे, हालांकि उनकी हरकतों को लेकर उनको ट्रोल भी किया गया। बीजेपी ने उनकी समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनको बैठने की तमीज भी नहीं। बहरहाल राहुल गांधी की वो वीडियो दिखाए उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है इसके न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याय। खैर, ये बात तो सियासत की हुई, लेकिन संविधान दिवस पर जो फैसला हुआ उसने सनातनियों संस्कृत भाषा के विद्वानों को एक नया तोहफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतिज्ञा जारी की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। ये मैथिली भाषा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया था। ये कार्यक्रम संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जो आज आप सबके सामने है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। दरअसल मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये भाषा 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इससे मैथिली को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। संविधान अब देश की दो प्राचीन भाषाओं मैथिली और संस्कृत में भी उपलब्ध हो चुकी है। इस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मंच पर मौजूद थे, क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया गया था। राष्ट्रपति ने सभी सदस्यों से संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी कराया। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कॉमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।